तो दोस्तों बात करेंगे सीजीएल 2024 की स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में। अभी तक 491 वैकेंसी का पता लगा है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं, दिल्ली आखिर कितने रैंक तक मिल जाता है दोस्तों जीएसटी इंस्पेक्टर, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आपको अटैक रिप्लाई पहले दिखाया था, जयपुर का है, जिसके अंदर जो है यहाँ पर आप देखेंगे 13 वैकेंसी रिपोर्ट हुई थी। 2020 में दोस्तों 17 वैकेंसी थी, 21 में 91, 22 में 7, 23 में 108 और 24 में 13, यानी कि एक एक साल के बाद दोस्तों कम, एक साल ज्यादा आ रही है, एक साल फिर कम आ रही है। ठीक है, ये इतनी इतनी दोस्तों मैंने बता दी। ये तिरुवनंतपुरम में एक्साइज इंस्पेक्टर की 46 वैकेंसी, पीओ की 1 वैकेंसी। ठीक है, हैदराबाद में दोस्तों 39 वैकेंसी, इंस्पेक्टर की ईए की 0 और टीए की 51। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको सीजीएल 2024 से रिलेटेड हर अपडेट मिलती रहे। ठीक है, क्योंकि ये चीजें दोस्तों शायद ही आपको कहीं पर मिलेंगी। उड़ीसा के अंदर दोस्तों 47 वैकेंसी, जो कि सारा का सारा क्या है, ऑफिशियल डाटा है, आरटीआई के माध्यम से लिया गया है। ठीक है, मुंबई में दोस्तों 95 वैकेंसी जो है। ठीक है, जो भी नए कैंडिडेट हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को, दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। दिल्ली के अंदर दोस्तों 39 वैकेंसी है, इससे पहले 2021 में 7 वैकेंसी दिल्ली के अंदर थी एक्साइज इंस्पेक्टर की, 2022 के अंदर 4 थी, 2023 में दोस्तों 88 वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी आई थी, लेकिन 2024 में भी ठीक वैकेंसी है, 39 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, जिसके अंदर यूआर कैटेगरी की 19 वैकेंसी हैं। ठीक है, अभी दोस्तों ये जो लेटेस्ट जो है कलकत्ता का है, ये तो कलकत्ता में दोस्तों टोटल 154 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। किस किस की, यहाँ पर प्रिवेंटिव ऑफिसर की दोस्तों 77 वैकेंसी है, पीओ की 77 वैकेंसी है, एग्जामिनर की दोस्तों 20 वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 7 वैकेंसी हैं और टैक्स असिस्टेंट की दोस्तों कितनी है, 50 वैकेंसी। ये टोटल बन जाती है आपकी 154 वैकेंसी। अभी इसके अंदर एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी का आरटीआई रिप्लाई नहीं आया है, यह भी दोस्तों इंटरनल नोटिस है। ठीक है, आरटीआई का रिप्लाई आना पेंडिंग है, लेकिन इंटरनल नोटिस दोस्तों किसी ने मेरे को सेंड किया कि ये वैकेंसी जो है रिपोर्ट की जाएंगी। ठीक है, ऑफिशियली जीएसटी इंस्पेक्टर का भी जब रिप्लाई आ जाएगा दोस्तों, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो टोटल 154 वैकेंसी है। तो अभी तक का ये दोस्तों चार्ट मैंने आपको बता रखा है पहले भी, कि टोटल वैकेंसी अभी तक कितनी क्या कुछ रिपोर्ट हुई है स्टेट वाइज वैकेंसी, इस तरह से सारा का सारा मैं आपको दिखा देता हूं, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो इस साइड कर देता हूं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर 286 वैकेंसी है जीएसटी इंस्पेक्टर की, 286 दोस्तों इस चार्ट के अंदर है, 51 वैकेंसी अलग से टीए की थी, 337 हो गई, और 154 वैकेंसी, अब 491 वैकेंसी का दोस्तों ये जो है चार्ट मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, और अभी मैं बात कर लेता हूं कि दिल्ली आखिर कितने रैंक तक मिलता है। दिल्ली दोस्तों जो है सीजीएल 2023 के अंदर 41 वैकेंसी थी यूआर कैटेगरी की, यूआर कैटेगरी की लगभग 330 रैंक तक दोस्तों ये मिला है। 2020 के अंदर जब इससे थोड़ी सी कम वैकेंसी थी, 27 वैकेंसी थी, तो 187 रैंक तक मिला था। 2023 के अंदर दोस्तों 330 तक, 2020 में 27 वैकेंसी के बाद 187, और 2024 के अंदर 19 वैकेंसी हैं, तो ऑलमोस्ट ये जो है 100 से लेकर 120 के बीच में दोस्तों खत्म हो जाएगा। यानी कि आपको अगर जीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली के अंदर लगना है, वर्दी पहननी है, तो आपको ऑल इंडिया में इतना रैंक लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तब जो है आप जीएसटी इंस्पेक्टर इजिली बन जाओगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात दोस्तों, अपने टेलीग्राम चैनल से अगर भी अगर आप नहीं जुड़े हैं, जहां पर सभी जो जॉब्स हैं आपके लिए, उनका नोटिफिकेशन जो है डाल दिया जाता है, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2023 के, जहां पर अभी 35-36 हज़ार मेंबर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अपनी पढ़ाई पर पूरा का पूरा फोकस करें, ताकि आपको सीजीएल 2024 के अंदर कन्फर्म एक नौकरी मिल सके। थैंक यू।